हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में जो यूक्लिड्स है, ये तो नाम हो गया, डिवीजन मतलब डिवीजन से रिलेटेड है, डिवाइड से रिलेटेड है, और एल्गोरिथम किसको कहते हैं इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ एल्गोरिथम क्या है। An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. Algorithm सच्चाई में एक well-defined steps का series है, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी काम को, किसी भी problem को solve करते हैं। तो यही आपका algorithm है, लेकिन basically हम लोग इस video में Euclid's division algorithm के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ ये वर्ड जो एल्गोरिथम है ये आया कहाँ से है। द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th century पर्सियन मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी। ये जो वर्ड है, ये शब्द जो है एल्गोरिथम, ये 9वीं शताब्दी यानी 9th century के पर्सियन मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी से आया है, यानी उनके नाम पर रखा गया है ये एल्गोरिथम वर्ड। अब सवाल आता है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक तरीका है, टेक्निक है, किस चीज़ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ पता करने का। दो पॉजिटिव इंटीजर अगर हमारे पास है तो उसका एचसीएफ पता करने का तरीका है ये। मतलब कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग एचसीएफ पता करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी है, यानी ए एंड बी है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नेम्ड डी That divides both a and b. Means दो अगर पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास a और b है तो उस a और b को डिवाइड करने वाला नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, वही नंबर कहलाएगा HCF of a and b. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आप समझ जाएंगे। अगर हमारे पास 32 और 48 यानी a और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें, मींस रिमाइंडर जीरो बचे, ऐसा नंबर हम लोगों को पता करना है। तो 32 को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये सारा नंबर जो है 32 को डिवाइड करता है। उसी तरह 48 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। तो ये सारा नंबर जो है 32 और 48 को डिवाइड कर सकता है। तो इन दोनों में कौन कौन सा नंबर होगा जो दोनों ही को डिवाइड करेगा, दोनों को ही कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 4, 8, 16 ये सारा नंबर 32 को भी डिवाइड करता है और 48 को भी, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे तो वो है हमारा 16। तो 16 होगा इन दोनों का HCF, यानी HCF हो गया 16, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके HCF फाइंड करना सीखेंगे। हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे आधारित है, यानी बेस्ड है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है लेमा में क्या पढ़ा है, एक्वल्स बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो जब ए बड़ा होगा, ठीक है, बी से,
दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है और a बड़ा है b से, तो क्या होगा, a इक्वल्स bq प्लस r। अब हमारे पास एक एग्जांपल है 455 और 42, ये दो नंबर हमारे पास है और हम लोग जानते हैं कि 455 बड़ा है 42 से, तो 455 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 42 इंटू 10 प्लस 35। जब तक ये रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं आता है, इस प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे और जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो लास्ट वाला जो हमारा डिवाइज़र होगा वही SCF होगा। तो इस प्रोसेस को आगे करते हैं, 42 इक्वल्स 35 इंटू 1 प्लस 7, तो इस स्टेप में भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हुआ, इसलिए इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, तो 35 इक्वल्स 7 इंटू 5 प्लस 0, तो इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, तो इसीलिए हमारा HCF हो जाएगा 7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 420 और 130, ये दो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास और इसका HCF हम लोगों को फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। तो 420 इक्वल्स 130 इंटू 3 प्लस क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 30। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, कहे कि इस स्टेप में रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं आया, तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे 130 इक्वल्स 30 इंटू 4 प्लस 10, अभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप करेंगे 30 इक्वल्स 10 इंटू 3 प्लस 0, तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेप में रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो गया, तो इसलिए हमारा HCF क्या हो गया, HCF इक्वल्स 10। तो यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। आई होप कि ये टॉपिक आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसी तरह से किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक को आसानी से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।